नमस्कार, मेरा नाम सुन्नी मौर्य है, बिलासपुर से हूँ मैं। और मैं श्रुति निशुल्क सिलाई सेंटर चलाती हूँ। और अच्छा लगता है मुझे कि किसी के लिए मैं कुछ कर सकूँ। जैसा कि मेरा ऐसा मानना है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन औरों के लिए जी कर देखो अच्छा लगता है। इसी बात पे मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, तो क्यों ना मैं दूसरे के लिए कुछ कर सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी ज़रूरतमंद महिलाओं को जो रोजी मजूरी करती हैं, दूसरे के यहाँ काम करती हैं, बर्तन मांजती हैं, तो मैं उन महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं सिलाई सेंटर खोल सकती हूँ। क्योंकि सिलाई ऐसी चीज़ है कि हर महिला उससे 4 पैसे कमा सकती है। और अभी ऐसा है कि अभी मेरे सेंटर में 50 से 60 महिलाएं हैं जो कपड़े सिलती हैं, पीकू फाल करती हैं और 4 पैसे धन उपार्जन कर रही हैं। इससे उनकी ना आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है और वो कम से कम बाहर जाके कार्य करना बहुत हद तक कम कर चुकी हैं। और जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस क्षेत्र में और भी आगे चलकर मैं उन महिलाओं को परमानेंट रोजगार दिला सकूं। इस क्षेत्र में मेरा प्रयास अनवरत जारी है और कोशिश यही रहेगी कि मैं किसी के लिए कुछ भला कर सकूं, जिससे उनको आजीवन आर्थिक सहायता मिल सके। तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं तो सबके दुख तो दूर नहीं कर सकती, लेकिन जैसे शुरू हुआ था, मेरे घर में मैट थी, उसकी स्थिति बहुत ख़राब रहती थी, तो मैं उसको छोटी छोटी सहायता करते करते बहुत दूर से पैदल आती थी, फिर मैंने उसको साइकिल लेके दिया। फिर ऐसी गरीब कन्या लोगों का ऐसा मेरे पास आया तो मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे दिया तो मुझे उनका सहयोग करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। इस क्षेत्र में मैं थोड़ा थोड़ा करते करते फिर थोड़े से फिर ज़्यादा होने लगा, फिर सब महिलाओं से मिलती गई तो पता चला कि ऐसी भी बहुत महिलाएं हैं जो घर से घर में ही रह के कुछ कर नहीं पाती हैं और आर्थिक जरिया भी नहीं है। तो इस क्षेत्र में मैंने सर्वे किया छोटे मोटे मोहल्ले में जहाँ मैं कर सकती थी, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए करके, तो फिर इस उद्देश्य से मैंने सिलाई सेंटर का शुभारम्भ किया है। परिवार का मुझे पूरा सपोर्ट रहता है, हस्बैंड है वो भी हमेशा दीन दुखियों की सहायता करते हैं, बेटा भी है घर में, बेटी भी है, तो मुझे सेवा के लिए प्रेरणा घर से ही मिली है। सब लोग का सपोर्ट रहता है, उन लोगों से भी जो बनता करते हैं और मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। मैं घर का कार्य करके भी बाहर का उन लोगों की सेवा करूँ, इसलिए उन लोग भी मुझे बहुत सहयोग करते हैं और पूरा सपोर्ट मिलता है, तभी आज जाके मैं कुछ कर पा रही हूँ। तन मन धन तीनों से मुझे सब पूरे परिवार का सपोर्ट रहता है, तो कोशिश रहती है कि मैं मतलब कुछ और अधिक उन लोगों के लिए कर सकूं इस क्षेत्र में। हाँ, जनरली कि अच्छा कार्य करने चलो तो वो तो मुश्किलें तो आती ही हैं रास्ते में, तो लेकिन जब मैंने उद्देश्य बना ही लिया है कि मुझे किसी की सुनना नहीं है, मुझे अपने मंजिल पर पहुंचना है और लोगों की सहायता करनी है, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बोलने वाले तो मतलब जानते ही हैं, दुनिया का नियम है, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे मोटिवेट करने वाले लोग भी मिले हैं, मुझे मेरे कार्यों को सराहा है, उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, तो बस उसी मोटिवेट से ही मैं आगे बढ़ती हूँ और कार्य करती हूँ। हाँ, मैंने सोचा है कि मैं आगे चलकर महिलाओं के लिए जैसे जो घरेलू कार्य हैं, जैसे बड़ी है, पापड़ है, अचार वगैरह है, जो महिलाओं के लिए कर सकती हैं महिलाएं, उस क्षेत्र में प्रयास जारी है। मैं इसमें लगी हुई हूँ कि मैं उनको और क्या कार्य मतलब घरेलू घर में रह के वो कार्य कर सकती हैं, उस क्षेत्र में मैं प्रयास जारी है। तो मैं दिया बत्ती का भी सोच रही हूँ, महिलाओं को कुछ करा सकूँ दिया बाती, जैसे कम पूंजी में कम लागत में वो अपना मतलब धन उपार्जन कर सके, ऐसा ही मेरी कोशिश है आगे। मैं तो कहना चाहूँगी कि हर महिला को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, इससे परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है। और फिर ऐसी महिलाओं के लिए जो घर में रहती हैं और कुछ नहीं कर सक रही हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि अपने जो हम घर बैठे कर सकते हैं तो वो क्यों ना करें, परिवार भी देखें, घर भी देखें और उसके साथ ही ऐसा कुछ कार्य करें जिससे हमको आर्थिक सहयोग हो, तो इस क्षेत्र में उनको ज़रूर आगे